अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वालेकुम अस्सलाम अरिशा अफसा। वालेकुम अस्सलाम। ओके जनाब, लेट्स आई वांट टू टेल यू, कुछ पिछली क्लासेस में कुछ ये हो रहा था कि स्टूडेंट्स जो है वो पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे मुझसे कि आपका जो भी चैप्टर आपने पढ़ाया है तो वो कुछ पीडीएफ दे दें। तो देखिए, मेरे ना कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन नोट्स मौजूद हैं, ठीक है। मैं आपको उनका एड्रेस बता रहा हूँ और ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन ये तमाम चीज़ें ले सकते हैं। तो यू डोंट नीड टू गेट योर सेल्फ कन्फ्यूज्ड एट एवरी पॉइंट। आपको यहाँ सारी सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं और आप बड़े आसानी से यहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर्स व्यू कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर के हों। यू कैन गेट इट ईजीली, ठीक है, आपको बड़े ईजीली अवेलेबल होंगे वो। हाँ, मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ अरीशा, नो इशू एट ऑल। तो लेट्स सी हियर, मैं आपको ये बता रहा था कि ये मेरा एक ब्लॉग है जिसका सेंस है ranijilani.blogspot.com, ठीक है, ranijilani.blogspot.com। ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको यहाँ से वॉच कर लीजिएगा और जिसको जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ से ले सकता है, ठीक है। तो यहां से आप इसको व्यू कर सकते हैं। लेट्स सी, अब आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो क्या था? वो था आपका जो है सेवन एजेस ऑफ मैन, ठीक है। क्या था? सेवन एजेस ऑफ मैन। तो ये देखिएगा, यहां से अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां सेकेंड ईयर के सारे टॉपिक्स मौजूद हैं, ठीक है। ये देखिएगा, सेकेंड ईयर इंग्लिश नोट्स, सेंड बोर्ड, सेवन एजेस ऑफ मैन, ठीक। आपने इसको यहाँ क्लिक करना है और यू विल हैव ऑल द क्वेश्चन आंसर्स अलोंग विद समरी एंड एक्सप्लेनेशन आपके पास यहाँ मौजूद, ठीक है। तो आप लोग, यू डोंट नीड टू गेट योरसेल्फ ट्रबल्ड, आपको यहाँ से सारी चीजें अवेलेबल होंगी। मेरा कहना, मैंने पहले आपको नहीं बताया था ये, आई फॉरगॉट टू शेयर विद यू, तो थोड़ा इस वजह से मैंने कहा क्लास में आपको डिस्कस कर लूं, तो यू विल हैव ऑल द टॉपिक्स हियर, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक था सेवन एजेस ऑफ मैन जो हमने पढ़ा था। उसके अलावा डिवोटेड फ्रेंड, ये देखिएगा, सेकेंड ईयर इंग्लिश नोट्स, द डिवोटेड फ्रेंड। तो द डिवोटेड फ्रेंड के भी यहाँ क्वेश्चन आंसर्स और समरी वगैरह मौजूद है, ठीक है। तो यू विल गेट दीज फ्रॉम हियर, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक। तो आपको यहाँ से अगर इफ यू ठीक है, और अगर आपको कुछ और मतलब कोई सवाल है जो आपको मिल नहीं रहा और यू वांट टू आस्क द आंसर, तो देखिए यहाँ कमेंट्स का एक ऑप्शन है, राइट डाउन हियर, आप यहाँ अपने कमेंट्स लिखिएगा एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। मैं आपको उसका आंसर भी सेंड कर दूंगा अगर आपको किसी सवाल का आंसर नहीं मिलता है। क्लियर हो गया अभी? तो जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन थी नोट्स के हवाले से कि सर नोट्स कब आएंगे और क्या है, तो इंग्लिश के हवाले से तो आप लोग रिलैक्स हो जाएं क्योंकि वी हैव ऑनलाइन नोट्स हियर और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम। महरीन, इसीलिए तो आपको ये ब्लॉग बता रहा हूँ, ठीक है। इतना सब मोबाइल से याद नहीं कर सकते, घंटों बैठ के व्हाट्सएप पे चैट चल रहा होता है मेरीन, ऐसा नहीं है? व्हाट्सएप तो घंटों यूज करते हैं स्टूडेंट्स। चलें, बहरहाल आप जो है वो अच्छा नहीं करती हो फोन, अच्छा खैर, जब तक अवेलेबल नहीं होते जब तक तो काम चलाएं, ठीक है, वरना एक प्रिंटर खरीद लें, प्रिंटर ले लें और आप इसको घर बैठे प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। तो वैसे होपफुली कि नेक्स्ट वीक तक
नोट्स आ जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं आते तो हमें थोड़ा सा कोई अल्टरनेटिव तो तलाश करना है ना, तो हम फिर इस तरह ये काम कर सकते। सबको, सबने नोट कर लिया इस एड्रेस को, मैं यहाँ आपके यहाँ से भी शेयर कर लेता हूँ एवरीवन, ठीक है। मैं आपके चैट ग्रुप में भी शेयर कर लेता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ भी शेयर कर लिया, ठीक है। आप इसको एनी टाइम विजिट कर सकते हो और आप यहाँ से चीजें ले सकते हैं। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, ये जस्ट आई हैव शेयर्ड अ वेब फॉर यू टू गेट द नोट्स ऑनलाइन, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं और वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक। अब हम जो है वो अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक की तरफ आते हैं। शैल बी, अगर कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम आगे बढ़ें। शैल वी मूव ऑन, कैन यू प्लीज रिप्लाई मी? ओके यस, जब आप लोगों से पूछा जाए तो प्लीज रिप्लाई किया करें। यस अरीशा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो हमने अभी तक जो है वो अपने दो पॉइंट्स कवर कर ली है, और एक हमने क्या कवर कर लिया, एक हमने टेक्स्ट कवर कर लिया, ठीक है। डिमोटेड फ्रेंड जो था वो टेक्स्ट हमने कवर कर लिया, और सेकेंडली जो है वो दो पोएम्स, 7 inches ऑफ मैन और एन एसे ऑन मैन हमने कवर कर लिया। आज फिर हम एक टेक्स्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आई डू नॉट टेल यू डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली जो है वो टॉपिक नहीं बताता, बल्कि आई जस्ट आस्क यू सच क्वेश्चंस, और बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चंस फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर हम उसमें से पॉइंट्स निकाल कर अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और लेट्स सी, इसमें मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, सस्पेंस से भरा हुआ टॉपिक है ये। आपने अपना सेंस देना है मुझे, ठीक है। सवाल पढ़िए, जी जनाब। सवाल बड़ा आसान है, मैं बात कर रहा हूं कैजुअल मीटिंग्स की, आम सी मीटिंग्स, मुलाकातें, आम सी मुलाकातें, है ना। वो कहां हो सकती है? एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर हो सकती है, कैफेटेरिया, कैफेटेरिया में हो सकती है, ठीक है। और जो है बैंक में हो सकती है, एनीवेयर, एनीवेयर, कहीं भी, कोई भी, कैजुअल मीटिंग्स, है ना। डू दे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन योर लाइफ? क्या समझते हैं, व्हाट डू यू थिंक? ये जो छोटी छोटी सी मुलाकातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, क्या इंसान की जिंदगी पर असर करती हैं? है ना, बिल भरवा रहे थे खड़े होके, हाँ रेस्टोरेंट, यस एब्सोल्युटली रेस्टोरेंट और एनी अदर प्लेस, क्या इनका कोई इंसान की जिंदगी पर इफेक्ट होता है? छोटी सी मीटिंग्स, बस हेलो हाय हुई और जो है वो स्माइल पास हुई, एनीथिंग एल्स, रास्ता पूछ लिया, डू दे दीज मीटिंग्स हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन वंस लाइफ? क्या ख्याल है, क्या ये छोटी छोटी मीटिंग्स का इंसान की जिंदगी पर कोई इफेक्ट होता है? रिप्लाई मी इन द कमेंट्स, और अगर आप आवाज मतलब वॉइस तो जस्ट रेज हैंड और मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है। और आई वुड रियली लव कि आप जो है वो रेज हैंड करें और मैं आपको पूरीबा बहुत ज्यादा अरीशा नो असर होता है, बहुत ज्यादा असर होता है। सबके आंसर्स आए ना, सबसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वी हैव गॉट
ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स हियर. फ्रेंडशिप बढ़ती है. अच्छा फ्रेंडी नाउ, मैंने कैजुअल मीटिंग्स की बात की है, हम अननोन पर्सन से मीटिंग्स की बात कर रहे हैं. अननोन पर्सन से असर होता है. क्या असर होता होगा? एक एक मुस्कुराहट बस. हाँ क्या असर होता है? सिर्फ जो है वो हेलो हाय किया, दिल छू लेती है. वो मेरे पास तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं भाई. हम्बल रिस्पॉन्स अपॉन दीज स्मॉल डेली मोमेंट. आई थिंक नॉट ऑन लाइफ कैजुअल मीटिंग्स एटलीस्ट डू अफेक्ट अवर डे, अवर मूड ऑन दैट डे. आई थिंक इट अफेक्ट्स. माइंड फ्रेश हो जाता है, कुछ भी इफेक्ट होता है. मनाहिल आई रियली लाइक योर आंसर. महरीन, हम्बल रिस्पॉन्स पे अच्छा इमेज बनता है सामने वाले का. ओके अच्छा चलो कम टू द पॉइंट. लेकिन इसमें ना आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड अनम्यूट यू, ठीक है? क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत लंबा लंबा टाइप करना पड़ेगा. आई डोंट नीड टू ठीक है गिव यू सच हार्ड टाइम. आप स्पीक कर सकते हो, ठीक है? फर्क पड़ता है. रिदा का भी यही सेंस है, कॉन्फिडेंस आता है कि लोगों से कैसे फेस करते हैं. अच्छा कभी कभी इफेक्ट होता है फर्क. अच्छा कोई तुम्हें ऐसी कोई मीटिंग याद है, कोई आधी मिनट की, एक मिनट की, दो मिनट की, एनी ऑफ द मीटिंग यू रिमेम्बर, उसने तुम्हारी लाइफ पर बड़ा असर किया हो, एनी ऑफ द मीटिंग? हाँ ये हम याद हैं हम लोगों को. अच्छा जनाब. कोई ऐसी मीटिंग जो तुम्हारी लाइफ पर बड़ी इफेक्ट किया हो किसी ने, ऐसी मीटिंग कि बस उसके बाद हाल ही बुरा हो गया हो या हाल अच्छा हो गया. मनाहिल आई वुड रियली लव टू लिसन टू योर हाफ मिनट मीटिंग. चलो आंटी से क्या बात हुई, क्या मुलाकात पे बात हुई, अगर तुम बताना चाहो प्लीज. मैं तुम्हें अनम्यूट करूं? नहीं नहीं बताना. लो ये क्या बात हुई यार, मैं तो कुछ ऐसी मीटिंग सुनना चाहता हूँ. बिकॉज आज जो हम बात करने वाले हैं ना, आज का बड़ा एक इम्पोर्टेंट सेंस है हमारा, और हमारी गुफ्तगू सारी इसी पर चलेगी आज, है ना? यू नो वॉट, This gives you confidence. तो कौन बताना पसंद करेगा? कोई हाफ मिनट मीटिंग, कोई वन मिनट मीटिंग, टू मिनट मीटिंग, दैट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन योर लाइफ. यू कैन नॉट फॉरगेट द मोमेंट, है ना? द मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ. और वो जो मीटिंग थी, वो जो मुलाकात थी, वो जो एक जो है वो आपकी जिंदगी पर असरअंदाज हो गई और आप उसको कभी भूल नहीं पाए, उस मीटिंग को भूल नहीं पाए. कौन बताएगा? किसको मैं अनम्यूट करूं? जल्दी से रेज हैंड, रेज योर हैंड. आई एम गोइंग टू परमिट यू. मैं एक आध मीटिंग तो सुनूंगा. अभी हम बच्चे हैं, हमें हमारी ऐसी मुलाकात कम होती है, मम्मा बाबा की ज्यादा होती है. वाह सच, तुम तो बहुत ही छोटी बच्ची हो. पीड़े वीड़े तो नहीं पीती हो ना आप सब? अभी फायजा चैप्टर तो अभी शुरू होगा, अभी तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं और सवाल आपके सामने. अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो आई वुड रियली वेलकम यू, और आई रियली वेलकम यू इफ यू वॉन्ट टू हैव सच सेंस अबाउट. मैंने अभी बताया ही नहीं है, वी आर हैविंग अ डिस्कशन. उरीबा शायद आपकी किसी से नहीं हुई नहीं, आई कांट बिलीव दैट. हाँ एक बच्ची ने शॉप जाते वक्त मेरे कान से इयर रिंग खींच ली थी और चोरी करके गायब हो गई. वो मीटिंग अच्छी तरह याद है मुझे. चलो मिनाइल इसी के बारे में बता दो, यही एक मीटिंग है. फिर तुमने क्या किया उस बच्ची के साथ? पकड़ने की कोशिश नहीं की और बच्ची ने यह हरकत की? अच्छा चलो आज कन्फेस डे भी है. आज कन्फेस डे. हैव यू एवर कमिटेड अ क्राइम?
चलो दूसरा सवाल मेरा, कभी कोई क्राइम किया है? अच्छा छोटा हो बड़ा हो, क्राइम तो क्राइम है ना? क्या है सर, मुझे भी ऐसी मुलाकात करनी है। वाह समीहा, सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं मेरे पास, जरूर अभी करवाऊंगा ना तुम्हारी मुलाकात। ऐसी मुलाकात है, यू विल नेवर मिस इट और यू विल एंजॉय दिस। देखो लेट्स सी, वी विल डेफिनेटली व्हाट एवर वी आर हैविंग अ डिस्कशन, इट्स अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द चैप्टर वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मीटिंग ही तो है। शायद कुछ लोगों ने गैस कर लिया हो कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और एक मीटिंग ही की रुदाद है उसमें, है ना? बड़ा ही दिलचस्प चैप्टर है और अपने अंदर बड़ा सस्पेंस भी रखता है। तो ये जो बात मैंने की है ना आपसे कि कैजुअल मीटिंग्स का इंसान की जिंदगी पर असर होता है या नहीं होता, थीम यही है इसका। और दूसरा ये कि हैव यू एवर कमिटेड अ क्राइम आइदर स्मॉल और बिग? मुझे नहीं लगता, सबने कभी ना कभी कुछ क्राइम तो किया होगा। हाँ दोस्तों के लंच बॉक्स फिनिश किया हुआ उससे पूछे बगैर, क्योंकि खाने की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, फौरन खाना चाहिए। हल्के मना रहे मेरे भाई की चॉकलेट्स खाई हैं छुपके छुपके और पापा की मिठाई खा ली। वाओ तुम लोग खाते पीते लोग हो यार। क्राइम किया है सर सेंटर में ही। वाओ कुसुम क्या क्राइम किया सर, सच बताओ। आज कन्फेस डे है, तुम लोगों ने कन्फेस करना है क्या क्राइम किया, पकड़े गए या बच गए? उरूज भी साथ थी, पकड़े गए। वाओ लो भाई पकड़े गए, ऐसा क्राइम किया कि पकड़े गए। उरीबा उरूज और तुम, अच्छा कुसुम। चले जनाब, आज हमारा जो टॉपिक है ना बड़ा ही जो है वो सस्पेंस भरा है, और इसमें हम स्कूल में दो तीन चीजें भी थोड़ी हैं। रिदा रिदा, हमने बहुत से क्राइम किए। चलो मुझे एक आध बता दो हिबा, एक आध बता दो कोई ऐसा जो शेयर कर लो। हाँ कोई सुन सुनाओ ना, सुन तो लें। हाँ सुन तो रहा हूँ, बताओ जल्दी से बताओ क्विकली, फिर हम आगे बढ़े। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। यस हिबा और कुसुम गो ऑन। गिफ्ट लेने जाना था, फिर क्या हुआ? मिस मुबशरा मिल गई रास्ते में। गिफ्ट शॉप पे तो नहीं मिली? वो शॉप पर ही। ओए ओए ओए, फिर क्या हुआ? घर से बुलवाया नहीं बुलाया? अच्छा जनाब, रंगे हाथों पकड़े गए। अच्छा गुड गुड गुड, रंगे हाथों पकड़े गए। बेहोशी का क्राइम किया स्कूल में? हाथों में गिफ्ट्स भी थे। ओ इम्तियाज गए वहां सर, निसार आ गए। तुम लोग भी ऐसी ऐसी जगह जाते हो जहां सेंटर वाले जाते हैं। वाओ हिबा स्टिक छुपा देते थे। चलें आज भी एक क्राइम, आज भी हम एक क्राइम की दास्तान आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज का जो चैप्टर है बड़ा ही जो है वो अपने अंदर इम्पोर्टेंट सेंस रखता है, और यू विल गेट टू नो कि आज का हमारा चैप्टर क्या है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल, और आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है
Okay, Janab, I'm going to share. Oh, Faiza, very good. यहाँ क्या तफरी हो रही है Faiza? पढ़ लिया जाए. Very good. I think you are a new student here. I don't think. Whenever we start a chapter, we have a healthy discussion to make up your mind. Okay. So get yourself at ease. Definitely, you start something and we'll finish your course within due time. So get yourself at ease and enjoy the discussion, because discussion always give you a sense of understanding. ठीक है? तो आज जो हमारा topic है ना, वो कुछ यूं है. आज हमारा जो टॉपिक है वो 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटर बाय फ्रैंक आर्थर. ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन, 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटर. फ्रैंक आर्थर का लिखा हुआ एक टेक्स्ट है, सस्पेंस से भरा हुआ टेक्स्ट है. आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटर. ओके. So, आज हमारा जो टॉपिक है वो यही, जो हमने अभी बहुत डिटेल डिस्कशन की है ना, बहुत डिटेल डिस्कशन जो हमने की है, जिसमें हमने कैजुअल मीटिंग्स के बारे में पूछा है, क्राइम के बारे में पूछा है. तो यू नो व्हाट, व्हाटएवर वी स्टडी देयर इज अ लिंक समवेयर इन द टेक्स्ट. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि क्या चीज आपने इससे सीखी है. तो ये एक बड़ा सस्पेंस भरा टेक्स्ट है जिसका नाम है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटर. फ्रैंक ऑथर ने ये टेक्स्ट लिखा और जो है वो आपकी बुक का पहला चैप्टर है ये. और फ्रैंक आर्थर के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहें तो मैं आपको इसका फ्रैंक आर्थर का एक वेब बता देता हूं, जिस पर आपको जो है वो बहुत कुछ पता चल जाएगा. ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन वगैरह शेयर कर लूं फ्रैंक आर्थर का. आपकी बुक में तो सिर्फ एक ही चैप्टर है, लेकिन आपको जो है वो इस ऑथर के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पर मिल जाएगी. तो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विद यू, सी दिस. ये फ्रैंक आर्थर 1902-1984, यानी आज से कोई हार्डली समझ लें 40 ईयर्स बैक. ठीक है, अच्छा, ये वो सारी योनरा हैं जो इसने लिखी है फ्रैंक आर्थर. ठीक है, नेशनैलिटी, ये पूरी इसकी बायोग्राफी है, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बड़ा, कौन कौन सी कहानियां लिखी हैं, ईच एंड एवरीथिंग, किस टाइप का शायर है, ये आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा. और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से जो है वो विकिपीडिया पर भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फ्रैंक आर्थर की. ठीक है, एक जो है वो नॉवलिस्ट के तौर पर, इंग्लिश नॉवलिस्ट. ठीक है, ये इसका जो है वो पूरा बायोडाटा आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगी फ्रैंक आर्थर, और जो भी बुक्स वगैरह, जो भी इसका ग्रेट वर्क है, यू विल गेट टू नो. और ज्यादातर जो है वो मिस्ट्री और सस्पेंस से भरे हुए नॉवेल्स वगैरह लिखे, पूरी बायोग्राफी यहाँ मौजूद है, करियर, पर्सनल लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ. और ये वो बुक्स हैं, ये वो नॉवेल्स हैं जो इसने लिखे हैं. ठीक है, आपने तो खैर इसका एक ही पढ़ा, लेकिन इसके कुछ बहुत फेमस नॉवल भी हैं, जैसे एलिजाबेथ है, और जो है वो हार्वेस्ट कॉमेडी है, टू वाइव्स हैं, ये कुछ फेमस इसके जो है वो नॉवेल्स हैं. तो ये आपको यहाँ अवेलेबल होंगे. आपकी बुक में तो सिर्फ एक ही दिया गया है. ठीक है, तो ईच एंड एवरी डिटेल यू कैन गेट फ्रॉम हियर रिगार्डिंग फ्रैंक आर्थर. ओके, नाउ लेट्स कम टू द टेक्स्ट अगेन. अब ये जो है ना वो एक प्ले की फॉर्म में लिखा गया यहाँ, यानी ये जो आर्टिकल है वो एक प्ले की फॉर्म में है, जिसमें कुछ कैरेक्टर है. ठीक है, वो कैरेक्टर कौन है हमें कैरेक्टर के नाम नहीं पता. एक लेडी है, शी, एक औरत है, लेडी, जिसको शी कॉल किया गया, पोर्टर. आपने देखा होगा अक्सर और बेशतर, अगर आप कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर गए हो तो
तो वहां कुछ येलो कलर की यूनिफॉर्म में कुछ लोग होते हैं, और जब भी आप ट्रेन से उतरते हो, ट्रेन रुकती है, तो वो भाग कर ट्रेन की तरफ आते हैं और आपका सामान उठा लेते हैं, और जहां भी आप यानी स्टेशन से बाहर जाना चाह रहे हो या आपकी गाड़ी कहाँ कहीं मौजूद है तो वो आपका सामान वहां तक ले जाते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं कुली, है ना, जो सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो यहाँ है पोर्टर, ठीक है, एक पोर्टर है आपके पास, एक कुली है, और एक और कैरेक्टर है आपके पास ही, यानी एक मेल और एक फीमेल, दो कैरेक्टर, और तीसरा जो है वो कौन है, कुली है। और ये पूरी नॉवेल, ये जो पूरा आपका जो सेंस है वो किस पर बेस करेगा, इन तीनों पर, ही शी और पोर्टर। इस प्ले में तीन कैरेक्टर्स हैं, और सीन क्या है जनाब, एक रेलवे का वेटिंग रूम है, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो तो वहां वेटिंग रूम्स बने हुए होते हैं। अच्छा, कराची और लाहौर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत बड़े हैं, तो यहाँ स्टेशन पर वेटिंग रूम्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कोई अगर छोटा सा कोई हो, जैसे अपना जो है गजुमती है या दूसरे हो, तो वहां जो है वहां सेंस ये है कि वहां चीजें डिफरेंट होती हैं, थोड़ा वो छोटा होता है। अच्छा, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? कैन यू हेयर मी क्लियरली? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गिव मी अ मिनट। Can you hear me clearly right now? I've got an internet issue. Right now, I'm back. I'm sharing the screen with you all. Yeah. Okay, now, so what we were talking about, कि ये एक रेलवे स्टेशन है और ज्यादा बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है और उसका एक वेटिंग रूम है। अगर आप कभी स्टेशन गए हो तो वहां बहुत सारे वेटिंग रूम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जितना बड़ा स्टेशन होता है वेटिंग रूम्स भी उसी हिसाब से होते हैं। ये जो स्टेशन है जिसमें ये तय, ये जो हैपन होने वाला है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जो ज्यादा, जैसे कराची और लाहौर की अगर बात करूं तो ये बहुत बड़े बड़े स्टेशन है पाकिस्तान के, लेकिन अगर मैं धारू की बात करूं या जो है वो गजुमती की बात करूं या इस तरह जो डिफरेंट है, तो वो बहुत छोटे छोटे स्टेशन हैं, वहां लोग इतने ज्यादा आते जाते नहीं है। तो इन द सेम सेंस यहाँ जो सीन हो रहा है, वहां भी, यहाँ भी एक रेलवे वेटिंग रूम है जिसमें एक सीन हैपन हो रहा है, ठीक है, और अ स्टॉर्मी विंटर्स इवनिंग है, और उसमें क्या हो रहा है कि एक तूफानी रात है, एक बड़ी तूफानी रात है, और टाइम जो है, यानी देखें, जब कभी भी हम कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं ना, उस स्टोरी में क्या होता है, उसमें जो स्टेशन है वो ज्यादा गुंजान नहीं है, यानी लोगों का गुजर बसर ज्यादा नहीं होता वहां, बहुत कम लोग इस स्टेशन पर आते हैं। जब हम स्टोरी की बात करते हैं, तो स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कैरेक्टर होता है, सीन होता है, टाइम होता है, क्योंकि ये प्ले जो है वो एक स्टोरी की फॉर्म में मूव कर रहा है, तो आपको यहाँ तीनों चीजें यहाँ मौजूद है। देखें, कैरेक्टर भी मौजूद है, सीन भी मौजूद है, टाइम भी मौजूद है, फिर इसमें होता है रेजोल्यूशन और राइजिंग एक्शन और जो है वो फॉलिंग एक्शन,
और क्लाइमेक्स वगैरह। तो जब स्टोरी पढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीजें भी आपकी समझ आती जाएंगी। अभी जो है वो टाइम कौन सा है, स्टॉर्मी विंटर इवनिंग, यानी एक तूफानी, एक सर्द तूफानी शाम है। सर्द तूफानी शाम यानी तूफान आया हुआ है, यानी बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं और सर्दी का मौसम है, शाम का वक्त है। और होता क्या है, लेट्स सी। द वेटिंग रूम ऑफ अ स्मॉल कंट्री रेलवे जंक्शन, अ गैस फायर एट अ साइड वॉल, गैस फायर एंड अ गैस लाइट अबव। गैस फायर, अगर आपने कोई हॉलीवुड मूवीज देखी हो तो उनमें जो फॉरेन कंट्रीज में जो सर्द इलाकों में जो घर होते हैं उनके अंदर गैस फायर होती है, एक तरफ कॉर्नर पर गैस फायर लगा होता है जो आमतौर पर वुडन टाइप जो है एक चिमनी टाइप का बना हुआ होता है और जिससे लोग जो है वो गर्माइश हासिल करते हैं। ठीक है, मैं उसकी एक इमेज आपको दिखा रहा हूं, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। गैस फायर, लुक एट दिस, ये गैस फायर कहलाता है। अक्सर आपने बड़े बड़े घरों में देखा होगा जहां सर्दी ज्यादा होती है तो वहां इस तरह का एक गैस फायर लगा हुआ होता है जो लोगों को सर्दी से बचाता है। आमतौर पर आजकल तो हमारे यहाँ हीटर्स वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और जो है वो अब इनका गैस फायर इतने ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में पहले गैस फायर बहुत ज्यादा यूज हुआ करते थे। तो वहां स्टेशन पर भी ऐसा एक गैस फायर मौजूद है। हाँ, चिमनी भी कहते हैं, यस चिमनी, लेकिन वो ज्यादातर जो है वो उसमें किचन में यूज होती है। बहरहाल, लेट्स सी, साइड वॉल और उसी के आगे गैस लाइट लगी हुई है, जैसे हमारे यहाँ गैस की जो लैंप होता है, गैस लैंप होता है, वैसे ही उस गैस फायर के ऊपर गैस लाइट लगी हुई है। और एक तरफ गैस फायर के एक तरफ, बिसाइड द फायर, ये जो गैस फायर है उसके सामने की तरफ बराबर में आप चेयर रखी हुई है, अब बेंच अगेंस्ट द बैक वॉल, और पीछे वाली दीवार के साथ एक बेंच रखी हुई है, एंड अ टेबल, और एक टेबल रखी हुई है उस रूम में। द रूम इज एम्प्टी, पूरा का पूरा रूम खाली है सिवाय किसके, उसमें चेयर बेंच और टेबल रखी हुई है और कोई फर्नीचर मौजूद नहीं है। अच्छा, तो रूम इज एम्प्टी। अभी जब हमारा प्ले शुरू हो रहा है, जब हमारी कहानी शुरू हो रही है, तो उस वक्त रूम खाली है, द रूम इज एम्प्टी। एंड एज द गैस लाइट इज टर्नड लो, और जो गैस लैंप है वो बहुत स्लो है, यानी उसकी रोशनी बहुत कम है, ऑलमोस्ट इन द डार्क, और पूरे कमरे में मुकम्मल तौर पर यानी ऑलमोस्ट करीबन तकरीबन अंधेरा छाया हुआ है। रेन एंड विंड आर ऑडिबल आउटसाइड, बाहर से तेज बारिश और हवाओं की आवाजें आ रही, एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द एक्शन। अब जब तक हमारा प्ले चलेगा वेदर ऐसे ही रहना है, बारिश हो रही है, शदीद बारिश हो रही है और तेज हवाओं की आवाजें आ रही, यानी पूरे प्ले के दौरान मुसलसल बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही। ठीक है, अब क्या होता है जनाब, जब दरवाजा खुलता है तो ये आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है। उस रेलवे वेटिंग रूम में एक दरवाजा लगा हुआ है, जैसे ही दरवाजा खुलता है तो हवा की और बारिश की आवाज तेज हो जाती है, और जैसे ही बंद होता है तो आवाज कम हो जाती है। द डोर ओपन्स एंड अ लेडी कम्स इन। अब क्या होता है, दरवाजा खुलता है और एक लेडी, एक औरत अंदर दाखिल होती है, एक लड़की अंदर दाखिल होती है, कैरिंग अ सूटकेस, उसके हाथ में एक सूटकेस है विच हैज अ टाई ऑन अ लेबल, और उस सूटकेस के साथ एक जो है वो लेबल लगा हुआ है। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज में जब कभी आप ट्रेवल करें तो यू विल फाइंड आउट कि जो हैंडबैग्स होते हैं लोगों के पास, उसके ऊपर ना एक टैग, नेम टैग लगा होता है, एक लेबल लगा होता है जिस पर आपका नाम और कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है। खुदा न खास्ता अगर आपका बैग मिस हो जाए तो वो उस पते पर या उस नेम के जरिए से ट्रेस किया जा सकता है और वो जगह पर पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अलग ही है, वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े मार्कर से चारों तरफ बैग के नाम लिखा होता है, अब्दुल कामरान फलाना ढिमकाना। हमारे यहाँ तो चक्कर ही उल्टे हैं ना, तो वो चारों तरफ बैग्स पर ना बड़े बड़े नाम लिख देते हैं। एयरपोर्ट पे जाएंगे ना तो वो दूर से वो बैग आ रहा होगा, उसमें चारों पांच जगह नाम लिखा होता है। इन फॉरेन कंट्रीज में एक टैग लगा होता है, उस टैग से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये बैग किसका है। बहरहाल,
अच्छा ये मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, मतलब आई हैव वॉच्ड ऑल दीज थिंग्स, तो मैंने पर्सनली देखे हैं कुछ इस तरह की हरकतें, तो बहरहाल चलो। हाँ 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 डेफिनेटली अफसा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उमरे पर गया हूँ और उसके बाद मैं इराक भी गया हूँ और अदर कंट्रीज भी एज वेल, तो वहाँ आई केम टू डू द सेम थिंग, तो वहाँ यही होता है बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं उस पे ना बैग्स पे अपने अपने। बहरहाल दरवाजा खुलता है, एक लेडी अंदर दाखिल होती है, उसके हाथ में एक सूट केस है और उस पर एक लेबल लगा हुआ है, शी इज हैवीली रैप्ड अप, उसने अपने आप को पूरा मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ है, रैप्ड अप कवर किया हुआ है। क्या क्या पहना हुआ है जरा इसको खास तौर पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब एमसीक्यूज पर बात करेंगे तो यू विल हैव टू टेल मी। उसने एक हैट पहना हुआ है विद अ हैट, उसने शी इज हैवीली रैप्ड अप, उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ है, एक हैट पहना हुआ है, स्कार्फ पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं और फर कोट पहना हुआ है ना, ऑल स्लाइटली वेट फ्रॉम द रेन, और सारी की सारी चीजें गीली हो रही हैं, हल्की हल्की गीली हो रही हैं, जिससे ये बात पता चल रही है कि वो बारिश में आई है। उसी के पीछे एक पोर्टर फॉलोज हर इन, उसी के पीछे एक कुली अंदर दाखिल होता है और वो क्या करता है, टर्न द गैस फुल ऑन, और वो क्या करता है उस गैस लाइट को तेज कर देता है जिससे पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। His cap and coat glistened with raindrops, और उसने भी जो कैप और कोट पहना हुआ है उस कुली ने, उस पर भी बारिश के खतरे। The lady puts her suitcase down on the bench and stand. अब वो लेडी जो है वो क्या करती है, वो सूटकेस जो है वो नीचे रखती है और स्टैंड हेजिटेट, परेशान है, थोड़ी सी खौफ ज़दा है ना, हेजिटेट होता है ना अक्सर नई जगह जाते हैं तो थोड़े से घबरा जाते हैं, घबराहट का शिकार होते हैं, हेजिटेट एंड लिटिल मीकली, मीकली कहते हैं बिल्कुल जैसे डरी हुई खौफजदा सी, मीकली है ना, थोड़ी सी परेशान कुन कैफियत में है और जो है वो असाबी दबाव के जेरे असर भी है। द लेडी पुट्स हर सूटकेस डाउन ऑन द बेंच, वो अपना सूटकेस बेंच के ऊपर रखती है और खड़ी होती है लिटिल मीकली, थोड़ी सी परेशान भी और घबराई हुई भी है, स्टैंड हेजिटेट घबराई हुई भी है। पोर्टर, अब लेट्स हैव अ डिस्कशन। अच्छा हमारी मीटिंग ना 2 मिनट बाद एंड हो जाएगी, तो काइंडली ज्वाइन अगेन, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। पोर्टर, वेल दैट विल थ्रो अ बिट ऑफ लाइट ऑन द सिचुएशन एंड आई लाइट द फायर फॉर यू लव सो दैट यू कैन वार्म योर टूटसीज। क्या करता है पोर्टर उससे, कह रहा है, क्या कह रहा है पोर्टर, कह रहा है कि आई लाइट द फायर फॉर यू, मैं आपके लिए जो है वो गैस फायर में आग लगा देता हूँ, आग जला देता हूँ, लव सो दैट यू कैन वार्म योर टू सीट। अच्छा यहाँ लव जो है ना, वैसे तो लव का मतलब होता है मोहब्बत करना, लेकिन यहाँ जो है वो बेगम साहिबा के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, लव सो दैट यू कैन वार्म योर टू सीज। और टू सीज क्या होते हैं, जो आपके हाथ है ना, उनकी जो पोरे हैं, उंगलियों की जो पोरे हैं, उनको टूटसीज कहते हैं। और इंसान को ज्यादा सर्दी यहाँ लग रही होती है आमतौर पर, हाथों पर और पैरों पर ज्यादा सर्दी लग रही होती है, तो वो कह रहा है कि मैं आपके लिए गैस फायर जला देता हूँ और आप अपने आप को थोड़ा सा गर्म कर लें, गर्माइश हासिल कर लें, यू कैन वार्म योर टूटसीज, आप अपने हाथों को गर्म कर सकते। और वो क्या करता है, बैठता है, नीज डाउन एट गैस फायर एंड पुट्स अ मैच टू इट, इट बिगिंस टू ग्लो रेड, और वहां आग रोशन हो जाती है, आग जलना शुरू हो जाती है। अच्छा अब वो क्या करती है, वो एक स्टेटमेंट पास करती है, इससे ये नहीं पता चल रहा कि वो तनकीद कर रही है या अपने ऊपर रहम की कैफियत में, सेल्फ पिटी, अपने ऊपर रहम खा रही है या तनकीद कर रही है, कह रही है देयर वाज नो हीटिंग एट ऑल ऑन द ट्रेन, कह रही मैं जिस ट्रेन से यहां तक आई हूं उसमें कोई हीटिंग का इंतजाम नहीं था,